चलिए बच्चा लोग, तो आई गेस अपन लास्ट क्लास में इसके पहले तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग इसके थोड़ा सा आगे मूव करेंगे एंड विल बी बिगिनिंग विद गैमेटोजेनेसिस। तो अगर हम गैमेटोजेनेसिस का बात करें कि व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, तो जो सबसे पहला चीज हमारे दिमाग में आता है वो है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो अगर हम गैमेट फॉर्मेशन का बात करें तो अलग अलग गैमेट यानी मेल और फीमेल में अलग अलग लोकेशंस पे होता है। अगर हम मेल्स के केस में बात करें तो इट अकर्स इन स्पर्म फॉर्मेशन अकर्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना। और अगर हम फीमेल के केस में बात करें तो इट अकर्स इन ओवरी। ठीक है, तो मेल के केस में जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होगा और फीमेल के केस में ओवरी में होगा। चलिए अब एक बार देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ओवोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवा, है ना। चलिए कब शुरू होता है गैमेटोजेनेसिस, तो इट बिगिंस एट प्यूबर्टी। कोई बच्चा जब 12-13 साल का हो जाता है, प्यूबर्टी गेन कर लेता है, तब उसके बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है। लेकिन अगर हम फीमेल के केस में बात करें तो फीमेल के केस में ये एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के समय ही शुरू हो जाता है। सेल्स सारे बन जाते हैं बट दे डू नॉट डिफरेंशिएट फर्दर, वो आगे स्पेशलाइज नहीं करते, वो उसी तरह स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, सेल साइकिल के एक फेज में जिसका नाम है प्रोफेज वन, तो वो जो होते हैं वो प्रोफेज वन में अनस्टेबल होते हैं। आई गेस कहीं ना कहीं हमारा लिखा हुआ होना चाहिए, प्रोफेज वन। ठीक है, तो ये प्रोफेज वन में अनस्टेबल हो जाते हैं। देखिएगा, मेल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनना शुरू हुआ, फीमेल में ओवरी में बनना शुरू हुआ। मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस का शुरुआत प्यूबर्टी का टाइम पे हुआ था और फीमेल में ओवोजेनेसिस का शुरुआत कब हुआ, तो जब कोई फीमेल फीटल स्टेज में थी तभी। अच्छा, एक बनना शुरू हो गया था लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता है। एक का फॉर्मेशन सेल साइकिल के एक स्पेशल फेज में अरेस्ट हो जाता है जिसका नाम है प्रोफेज वन। ठीक है, चलिए अब देखो होता क्या है उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले मेल में जो मेल जर्म सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। मेल जर्म सेल्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। असल में ये जो सेल है ये हमारे बॉडी का एक स्पेशल सेल है जो बाद में स्पर्म बनाएगा। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियास आर स्पेशल सेल्स ऑफ द बॉडी व्हिच विल फर्दर फॉर्म स्पर्म। सबसे पहले ये स्पेशलाइज होना शुरू होता है, ये माइटोसिस करता है। माइटोसिस यानी सेल डिवीजन शुरू करेगा और सेल्स के नंबर को इंक्रीज करेगा। एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से अपने सेल के नंबर को इंक्रीज करेगा। उसके बाद पहले तो नंबर इंक्रीज करता है एंड देन इट डिसाइड्स कि ठीक है अब हमको स्पर्म बनाना है। तो जैसे ही इसने डिसाइड करा कि हमको स्पर्म बनाना है और मियोसिस स्टार्ट किया, उस वक्त उसका नाम क्या हो जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, चलो वापस से बात कर रहा हूं। मेरे बॉडी में बहुत सारे सेल्स अवेलेबल थे जो कब बने, जब मैं 13-14 साल का हो गया, व्हेन आई गेन द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी गेन करने के बाद मेरे बॉडी में स्पर्मेटोसाइट बनने शुरू हो गए, स्पर्मेटोगोनिया, सॉरी। वो स्पर्मेटोगोनिया स्पेशलाइज करेंगे, पहले तो अपना नंबर बढ़ाया, एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन से नाम उसका माइटोसिस। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है अब मेरे को स्पर्म बनाता है। जैसे ही स्पर्म बनाना डिसाइड करेंगे तो वो दूसरा सेल डिवीजन शुरू करेंगे जिसका नाम है मियोसिस। जैसे ही उन्होंने मियोसिस शुरू करा, नाम क्या पड़ गया उसका, अभी तक ये सेल्स डिप्लॉयड थे, अभी तक ये सेल्स डिप्लॉयड। डिप्लॉयड यानी 2n का नंबर कितना, 46। हमारे बॉडी में क्रोमोसोम नंबर कितना है, 46, 23 पेयर या 46 है नंबर। हमारे बॉडी में क्रोमोसोम कितने हैं, 23 पेयर्स या फिर 46 है नंबर। तो 23 पेयर स्पर्म का बात कर रहे थे हम, तो नॉर्मली हमारे बॉडी के सेल्स में 23 पेयर यानी 46 स्पर्म्स होते हैं, सॉरी क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब बने थे तब तक तो माइटोसिस ही कर रहे थे। याद रखना दो चीज, माइटोसिस से क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। क्रोमोसोम नंबर कैसा रहता है, सेम, यानी वो जितना पहले था उतना ही अभी भी है, जितना पहले था उतना ही अभी भी है, कोई चेंज नहीं आया है।
जबकि अगर हम म्यूसिस का बात करते हैं, म्यूसिस का बात करते हैं, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर जो है, क्रोमोसोम नंबर इज हाफ, क्या हो जाता है, आधा। यानी एक सेल में मान लो पहले 40 क्रोमोसोम था, उसने माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करा और डॉटर सेल्स बना। देखो ये वापस एक बार नए बच्चों के लिए बता दो, कोई सेल एक सेल से दो सेल बनाता है या कितना भी सेल बना रहा है, सेल जब भी डिवाइड करता है तो सेल डिवीजन का दो तरीका होता है, एक को बोलते हैं माइटोसिस और दूसरे को बोलते हैं, एक को बोलते हैं माइटोसिस और दूसरे को बोलते हैं मियोसिस। जो माइटोसिस होता है इसमें एक सेल से दो सेल बनता है, कितना बनता है, एक सेल डिवाइड करा और दो सेल बना है, ये माइटोसिस है, ठीक है। मियोसिस जो होता है इसमें एक सेल से कितने सेल बनते हैं, कितने सेल बनते हैं एक सेल से, चार सेल, इसमें एक से कितने बने, दो, इसमें एक से कितने बने, अच्छा ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, एक बार सेल डिवाइड करा दो में खत्म, ठीक। ये क्या है, इट इज अ कितने स्टेप का प्रोसेस है ये, मतलब एक सेल था पहले डिवाइड करके दो सेल बनाया, एक स्टेप खत्म, उसके बाद ये फिर से डिवाइड करेगा, ठीक। तो एक सेल से शुरू किए थे, पहले स्टेप में दो सेल बना और दूसरे स्टेप में दो से फिर दो दो बना, इन टोटल कितना बन गया, अंत में एक से कितना बना, चार सेल, समझ रहे बात। अच्छा इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, अगर मान लो ये पहले इसमें 40 क्रोमोसोम था इस सेल में, इसमें भी क्रोमोसोम कितना होगा, 40, और इसमें भी कितना होगा, 40, यहां सेम ही होगा। इसमें देखो अगर मान लो, चूंकि यहां मियोसिस हुआ है, कलर चेंज करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मान लो यहां भी अगर 40 क्रोमोसोम था तो पहले स्टेप में, अच्छा मियोसिस दो स्टेप का प्रोसेस है ना, दो स्टेप में पहले को बोलते हैं मियोसिस वन और दूसरे से बोलते हैं मियोसिस टू, ठीक, मियोसिस वन और मियोसिस टू। पहले वाले में यानी अगर ये सेल था, इसने मियोसिस वन करा तो यहीं पे सब क्रोमोसोम में क्या हो गया, आधा, यहीं पे आधा जाता, तो यहां 40 था, इसमें कितना रहेगा, 20, इसमें कितना रहेगा, 20, ठीक। और दूसरे वाले में क्रोमोसोम नंबर सेम ही होता है, मतलब ये पहला वाला में आधा हो गया, दूसरा वाला ऑलमोस्ट इसकी तरह ही, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली नहीं, यानी यहां 20 क्रोमोसोम था तो यहां भी कितना, यहां भी कितना, 20, क्योंकि इसी से डिवाइड करा है, अच्छा यहां 20 तो इसमें कितना, 20, और इसमें कितना, 20। दो चीज समझ में आ गया, पहला कि पहले स्टेप पे ही आधा हो जाता है, दूसरे वाले में तो सेम ही रहता है, लेकिन अगर पहला को अंत से मिलाएं, स्टार्टिंग से लास्ट मिलाएं, तो स्टार्टिंग कितना था, कितना क्रोमोसोम, 40, और जो एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल बना उसमें कितने क्रोमोसोम है, 20, यानी ये कह सकते हैं ना कि इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रह जाता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है यहां तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि यहां पे यूज हो रहा है, बोर्ड में पूछेगा, नीट में पूछेगा, लेकिन डायरेक्टली ये क्लास 12 का सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये क्लास 11 का पार्ट है, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है, अभी भी हम लोग से पढ़ेंगे, उसमें इसको यूज करने वाले हैं। तो जो नए बच्चे हैं इनको ये नहीं पता, आप इसको क्लिक कर लीजिए क्योंकि लिखने का समय तो है नहीं, या फिर आपको रिकॉर्डिंग से देख के नोट करना होगा, एज यू विश, आई गेस क्लिक क्या ही करोगे, रिकॉर्डिंग से दोबारा देख लेना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी का बेस है एबीसीडी, इसके बिना बायोलॉजी नहीं भाग सकता, यहां यूज होगा, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फायरिंग प्लांट्स में यूज होगा, फिर जेनेटिक्स में यूज होगा, ये कंसेप्ट बहुत जगह यूज होता है। सिर्फ तीन ही डिफरेंस याद रखना है, पहला दो तरह के सेल डिवीजन में, एक माइटोसिस एक मियोसिस, इसमें एक से दो सेल बनता है, इसमें एक से चार सेल बनता है, दूसरा डिफरेंस ये सिंगल स्टेप है, ये डबल स्टेप है, तीसरा डिफरेंस इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। एक चीज एक्स्ट्रा याद रखना है, हाफ पहले वाले स्टेप में ही हो जाता है, दूसरे वाले में तो सेम ही रहता है, ठीक रह गया। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दिमाग रखिएगा। चलिए वापस आते हैं अपने कंसेप्ट, हम लोग बात कर रहे थे इसी टॉपिक पे, ये देखो स्टार्ट हुआ, यहां पे मियोसिस होना है, याद रखना गैमेट फॉर्मेशन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रहा है तो हां नॉर्मली मियोसिस होता है। अच्छा एक और चीज जान लो,
नया नाम बस जो पिछले वाले कंसेप्ट में पढ़े थे उसी में ऐड कर देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो क्रोमोसोम नंबर जब डबल होता है इसको बोलते हैं 2n, क्या बोलते हैं इसको? 2n डिप्लोइड, क्या बोलते हैं? डिप्लोइड। और जब क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है इसको बोलते हैं n या फिर हैप्लोइड। ठीक, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि कितने सेट ऑफ न्यूक्लियस के फ्यूज करने से जायगोट बन रहा है। ठीक है, जैसे हम सभी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एक स्पर्म और एक एग से मिलकर, स्पर्म में एक न्यूक्लियस रहा होगा, एक में एक न्यूक्लियस रहा होगा, तो आधा डीएनए एक साइड से, एक्चुअली आधा डीएनए थोड़ा ही कुछ होता है, एक डीएनए वहां से आया मदर साइड से, एक फादर साइड से, दोनों मिला तो हमारे में कितना डबल एन प्लस एन कितना होता है टू एन। तो एन यानी आधा, एक न्यूक्लियस आया था फादर साइड से, एक न्यूक्लियस आया मदर साइड से, एन और एन दोनों मिलकर क्या हो गया टू एन। ये सिर्फ समझने के लिए है ना, इसको एकदम कानून में बना लेना कि एन और एन मतलब हैप्लोइड होता है, मानने को है, ये मानते हैं कि एन मतलब हैप्लोइड है। ठीक है, कोई बोल दे कि नहीं हम हैप्लोइड को लिखेंगे 5n, तो भाई 5n हैप्लोइड कहलाएगा उस केस में, डिप्लोइड 10n कहला जाएगा, मानने वाला बात है, ये समझने वाला बात है। हम बोल रहे ऐसा, ये तुमको सिर्फ समझने के लिए एन और एन टू एन बन गया, एक्चुअली में ये एन कुछ नहीं होता, होता एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, बस हम उसको रिप्रेजेंट एन से कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जो तीन तरह के न्यूक्लियस से फ्यूज करके बना हो तो क्या बोलेंगे उसको, n प्लस n क्या बनेगा 3n। समझ रहे बात? अच्छा, ट्रिप्लोइड बोलेंगे उसको, तीन न्यूक्लियस ट्रिप्लोइड, एक न्यूक्लियस तो हैप्लोइड, दो न्यूक्लियस डिप्लोइड, तीन न्यूक्लियस ट्रिप्लोइड। ठीक है, ट्रिप्लोइड प्लांट के केस में देखने को मिलेगा, आपको पढ़ना है जानना है। खैर, अभी n और 2n का बात हम लोग कर रहे हैं। खैर, इसको आप ऐसे समझिएगा कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मान लो फादर साइड से आया और एक मदर साइड से आया तो हम 2n बने। ठीक, और अगर अब हमें रिप्रोड्यूस करना है तो रिप्रोड्यूस कोई भी ह्यूमन अकेले तो कर नहीं सकता, एक और पार्टनर चाहिए, फीमेल है तो मेल चाहिए, मेल है तो फीमेल चाहिए। ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अपना बात करें तो अगर मुझे ही रिप्रोड्यूस करना है तो एक फीमेल बॉडी तो चाहिए। ठीक, मेरे बॉडी में क्रोमोसोम नंबर कितना है 2n 46, फीमेल के बॉडी में भी वही होगा, वो भी तो ऐसे ही बनी है, तो 2n और 2n मिलकर कितना हो जाएगा 4n। तब तो सोच रहे हो हर अगला जनरेशन जस्ट पहले वाले के डबल। न्यूक्लियस में एक्चुअली हर चीज का कोडिंग है, पूरे डीएनए में हमारे पूरे बॉडी का कोडिंग है। 2n मिलके मेरे बॉडी में दो हाथ दो आंख एक नाक एक मुंह कोड कर रहा था, अगर 2n और 2n मिलके 4n बच्चा बन जाए तो उससे 4n में तो दो के बदले चार हाथ हो जाएगा, दो के बदले चार आंख हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखा जाए, ये बहुत ही जरूरी चीज है कि क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखा जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं कि 2n जो मेरे बॉडी में था ना, जब स्पर्म बनाते तो उसको आधा कर देते हैं n, और फीमेल भी जब बॉडी तो 2n है लेकिन जब एक बनाएगी तो एक में क्या होगा आधा करके n, तभी तो वो n और मेरा n मिलकर क्या बन जाएगा वापस 2n। तो जितना मेरे में था मेरे बच्चों में भी वही रहेगा, तो इससे जेनेटिक स्टेबिलिटी होता है, स्पीसीज कांस्टेंट रहता है। बात समझ लो? चलिए, अगर आप सबको समझ रहे हैं तो 2n मतलब डिप्लॉइड, n मतलब हैप्लोइड। आते हैं वापस, अब आपको बहुत तेजी में समझ में आएगा ये पूरा कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बोर्ड्स में डायरेक्टली बनाने देता है कि राइट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, सीधा से क्वेश्चन आएगा, समझे बात? तो फिर से बोल रहा हूं एक बार, स्टार्टिंग से इनिशिएट कर देता हूं, जो पहले हो गया था एक दो मिनट जब आप आए थे, उसके एक मिनट पहले क्लास, दो मिनट पहले क्लास शुरू हुआ, वापस इनिशिएट कर रहा हूं। गैमेट बनाना है यानी स्पर्म और एक बनाना है। मेल के केस में स्पर्म कहां बनता है? टेस्टिस में। टेस्टिस में भी कहां? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। आई गेस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या था ये अपन लास्ट क्लास में पढ़े थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का डायग्राम अगर आपको याद हो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या बन रहा है? स्पर्म। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो सेल्स होते हैं वो मेरे बॉडी सेल्स होंगे, मेरे बॉडी सेल्स तो हम 2n तो वो भी तो 2n ही होगा, मेरा सेल उसी को जायगोटी डिवाइड करके बना है 2n होगा। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो सेल्स होते हैं उसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम है? ये स्पर्मेटोगोनिया क्या होगा? 2n, क्योंकि हम भी क्या है 2n। क्या है ये? 2n। अच्छा, 2n का वैल्यू कितना है मेरे पास? क्रोमोसोम नंबर कितना है? 46। ये आपको याद रखना है, ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 46। ये डिप्लोइड क्रोमोसोम नंबर है, हैप्लोइड में क्या होगा 2n, अगर n हो जाएगा तो n का वैल्यू कितना होगा? 23। आधा 46 का था क्या होता है? 23।
ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया में, इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n = 46 था। सबसे पहले ये अपना नंबर बढ़ाता है, सबसे पहले ये क्या करता है, अपना नंबर बढ़ाता है। मतलब ये कि मेरे पास ये स्पर्म, जैसे देखो ये है मेरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये मेरे सेल्स है स्पर्मेटोगोनिया, देख रहे हो। सबसे पहले ये अपना नंबर बढ़ाता है, सबसे पहले क्या करता है, अपना नंबर बढ़ाता है। देखो नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, ये नहीं, ये वाला नहीं, ये नंबर बढ़ा रहा है अपना। एक बार जब उसका ठीक ठाक नंबर बढ़ गया, उसके बाद ये स्पेशलाइज करता है, फिर ये डिसाइड करता है कि ठीक है अब मेरे को स्पर्म बनाना है। स्पर्म बनाने के लिए इसको आधा होना पड़ेगा, होगा ना, हमारा बॉडी 46 है क्रोमोसोम, आधा करेंगे तभी 23 और फीमेल का 23 मिलकर 46 बनेगा, आधा करना होगा। अब मेरे को बताओ कौन सा सेल डिवीजन करे कि क्रोमोसोम नंबर हाफ बने, किसमें हो रहा था, माइटोसिस में कि मियोसिस में, मियोसिस में, माइटोसिस में तो सेम ही रहता था, फिर से देखते एक बार, माइटोसिस में तो सेम ही रहता था, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहा था, आधा। तो अगर मेरे को आधा करना है तो क्या करना होगा, मियोसिस, तो चलो करते हैं मियोसिस, शुरू करें। ये मेरा स्पर्मेटोगोनिया, अब ये डिवाइड करने का सोचा है कि भाई मेरे को स्पर्म बनाना है, वो मियोसिस करेगा। मियोसिस जैसे ही शुरू करा, मियोसिस जैसे ही शुरू करा, उसी स्पर्मेटोगोनिया का नाम क्या हो गया, वही सेल है, अभी कुछ हुआ नहीं, बस ये पहले नॉर्मल शांति से बैठा था तो स्पर्मेटोगोनिया था, अब वो डिसाइड कर लिया कि मेरे को स्पर्म बनाना है, तो अब क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसने मियोसिस स्टार्ट करा है, खत्म नहीं करा, सिर्फ स्टार्ट करा है। अच्छा क्रोमोसोम नंबर अभी तो सेम ही है, हमने पढ़ा था दो स्टेप में होता है मियोसिस, मियोसिस वन, जाहिर सा बात है देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस वन करेगा, एक सेल से दो सेल बनाएगा, देखो यहां एक था अब दो सेल बन जाएगा, थोड़े थे अभी क्रोमोसोम नंबर पहले स्टेज में ही आधा हो गया था, याद आ रहा होगा, 46 से अब कितना हो गया, 23 हो गया। अच्छा अब मियोसिस टू करा, देखो एक सेल से यहां एक सेल था, एक से दो बना, अब दो से कितना बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब डिसाइड करा था, पहला मियोसिस कर लिया तो उसी सेल को क्या बोल दिए, और उसके बाद मियोसिस टू कर देने के बाद क्या बोल दिए, स्पर्मेटिड नाम है। अब वापस दिखाते हैं, ये सेल था मेरा, जब ये डिसाइड करा तो उसको बोले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जब इसने पहला मियोसिस कर लिया इसी सेल को बोल दिया, अब जो प्रोडक्ट बना उसको बोले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्या बोले, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और जब ये मियोसिस टू भी कंप्लीट कर लिया तो उसको क्या बोले, क्या बोले उसको, स्पर्मेटिड। देखो स्टार्ट करा था तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस वन करा तो बनाया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस टू कर लिया तो क्या कहलाया, कोई दिक्कत बच्चा इसमें। अच्छा अभी तक ये सब सेल पैटोली सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देखो, उसके बाद बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और फिर बन गया स्पर्मेटिड। देखो ये सब स्पर्मेटिड है, देख रहा है, जब तक स्पर्मेटिड क्या होता है, अभी भी कुछ एक स्पेशल तरह के सेल से जुड़ा हुआ है, स्पर्मेटिड अभी भी एक स्पेशल तरह के सेल से जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखना बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये है मेरा स्पर्मेटिड, यहां वाला, यहां वाला, यहां वाला, लेकिन अभी भी ये आजाद नहीं हुआ, देखो ये एक सेल से जुड़ा है, जिस तरह के सेल का नाम क्या है, सर्टॉली सेल। अगर आपको याद आ रहा हो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था दो और तरह का सेल, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। दिख रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक स्पेशल सेल था जिसका नाम क्या था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसको नर्स सेल भी कहते थे क्योंकि वो स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है। ठीक, चलिए अब बस इसी को रिपीट कर देते हैं। अच्छा उसके अलावा एक और सेल भी जाने थे ना, लेटिंग सेल, आई गेस आपको याद होगा अगर आप रिवाइज करके आए लास्ट क्लास का, तो वापस आइए। तो आपने सर्टॉली सेल देख लिया, आपने सर्टॉली सेल देखा, सर्टॉली सेल का काम क्या था, स्पर्म को न्यूट्रिशन देना, एनर्जी देना। भाई जाहिर सब आते हैं, वो छोटा मोटा नन्ना मुन्ना सेल अभी तो जस्ट बड़ा ही हो रहा है, उसको कोई तो कोई खाना देगा तभी तो और डेवलप करे। तो सर्टॉली सेल का काम क्या है, न्यूट्रिशन देना। उसने क्या करा, देखो
ये स्पर्मेटेड, ये वाला स्पर्मेटेड, इसको थोड़ा सा ना इसको सेट कर लेते हैं। ये जो मेरा स्पर्मेटेड था, ये स्पर्मेटेड देखो 47 साल के हेड से जुड़ा हुआ है। क्यों? देखो स्पर्मेटेड जो बना है अभी भी वो मैच्योर नहीं हुआ, बस बन गया, शेप आ गया। लेकिन भाई सर शेप आ जाने से कोई चीज ठीक थोड़ी हो जाता, उसको उतना ताकत भी तो मिलना चाहिए। एनर्जी देने का काम किसका है? नर्स सेल या सर्टोली सेल। काम क्या है? न्यूट्रिशन देता है। क्या देता है? न्यूट्रिशन। उससे स्पर्मेटेड ने सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लिया और स्पर्मियोजेनेसिस इस प्रोसेस के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो गया? किसमें कन्वर्ट हो गया? स्पर्म में, मैच्योर स्पर्म। अब मेरा स्पर्म मैच्योर हो गया। अब ये स्पर्म क्या है? स्पर्मिएशन प्रोसेस के थ्रू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाता है, यानी स्पर्म बन गया। स्पर्म मेरा बन गया यहीं पे, स्पर्म मेरा यहीं पे बन गया है, ठीक है। लेकिन स्पर्म बना देना काफी नहीं है ना, स्पर्म तो मेरा यहां पे बन गया, लेकिन स्पर्म बनाने के बाद इसको यहां से बाहर निकालना भी तो पड़ेगा। थोड़ा जूम करके दिखाना, विजिबल है? हमने स्पर्म यहां बनाया है, स्पर्म बनने के बाद इसको बाहर भी तो निकाले हैं, तभी तो यहां पहुंचेगा और फिर बाहर जाएगा। स्पर्म यहां बना के इसको बाहर भेज देने का उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन, ठीक है। क्लियर? चलिए तो ये पूरा क्लियर हो गया मेल में स्पर्म कैसे बनता है। अब फीमेल के केस में बात करते हैं, मेल वाला कहानी खत्म, एक बार तो क्लियर कर दूं, अब सिर्फ फीमेल के लिए बात होगा डायग्राम के साथ। ये एक फीमेल ओवरी का डायग्राम है, ठीक है, ये एक फीमेल ओवरी का डायग्राम है। फीमेल के केस में हमने बात करा, जो सेल्स होते हैं वो कब बनना शुरू होते हैं? जब फीमेल अपनी मां के पेट में होती है, तभी उनके बॉडी में कोई नया सेल नहीं बनता। एक जितना बनना था वो अपने मां के बॉडी में थी तभी बन गया, फीटल सेल में बन गया। मेल्स में पूरे लाइफ टाइम बनता रहता है स्पर्म, मेल्स में पूरे जीवन स्पर्म बनता है, लेकिन फीमेल के केस में पूरे जीवन नहीं बनता, वो सिर्फ और सिर्फ एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब वो मां के उम्र में थी तभी बन गया जो बन गया, अब नया सेल नहीं बनेगा, ठीक है। सेल बनना शुरू होता है और वो रुक जाता है। देखो सेल साइकिल टॉपिक है, इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिगनिंग से, और वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्रोसेस चलता चला जाता है, फाइनली एक डॉटर सेल बन जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ जगह ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर सेल साइकिल रुक जाता है, बीच में सस्पेंड हो जाता है या अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। यहां पे दो बार ऐसा होता है, सेल डिवाइड करना शुरू तो करा था लेकिन खत्म करने से पहले बीच में रुक गया, अटक गया एक जगह, ठीक है। कहां कहां होता है, कैसे होता है, वो भी जानेंगे अभी। पहले देखो ओजेनेसिस का शुरुआत, ओजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ एग, शुरुआत कब होता है? एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के वक्त ही, जब कोई बच्ची अपने मां के वोम में है तभी शुरू हो जाता है। जो मदर सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं ओगोनिया, जैसे यहां पे स्पर्मेटोगोनिया था मेरे बॉडी में, जो सेल अभी नॉर्मल मेरे बॉडी में है वो स्पर्मेटोगोनिया है, उसी तरह किसी फीमेल के बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स है वो क्या कहलाएंगी? ओगोनिया। ये ओगोनिया जब डिसाइड करेगी कि भाई साहब अब मेरे को एक बनाना है, जैसे डिसाइड करा उसने शुरू करा प्राइमरी मियोसिस, जैसे यहां हुआ जब तक था तब तक था, जब डिसाइड करा कि अब मेरे को स्पर्म बनाना है तो क्या कहलाया? उसी तरह जब एक ने डिसाइड करा कि मुझे एक बनाना है ओगोनिया ने, तो क्या कहलाई? प्राइमरी ओसाइट। देखो ये चीज जन्म से पहले हो रहा है, मेल में ये वाला काम कब हो रहा है? प्यूबर्टी गेन करने के बाद। लेकिन फीमेल के केस में ये काम कब हो रहा है? ये जो लाइन खींच रहे ना, ये जन्म से पहले का है, बच्ची के जन्म से पहले, ये सब कुछ मां के पेट में हो रहा है, ठीक है। जब तक बच्ची कोई अपनी मां के वोम में थी वहीं पे ये चीज हो रहा है उसके बॉडी में, उस वक्त ही उस बच्ची के ओवरी में जो सेल्स थे उनको बोले ओगोनिया, और उसने उसे डिवाइड करना शुरू करा एक बनाने के लिए। तो जैसे ही म्यूसिस स्टार्ट करा उस सेल ने, क्या कराई वो सेल?
प्राइमरी ओसाइट। अब देखो वो सेल प्राइमरी ओसाइट थी, उसने बर्थ के पहले अभी जन्म हुआ एक बार इसने प्राइमरी ओसाइट बनाया, इसने स्टार्ट ही करा था अभी, वो सेल प्राइमरी ओसाइट अभी स्टार्ट ही करी थी डिवाइड करना, तो उसको रोक दिया गया कि नहीं रुको अभी, मतलब शुरू कर दिए जाना, खाली गेट से बाहर निकले कि रोक दिया करना, बस रुक आज शनिचर है आज इतवार है आज नहीं जाता, ऐसा वाला है हमारे यहाँ का कल्चर का पार्ट, दिन भी देखते हैं ना निकलने से पहले कौन सा दिन पर नहीं जाना चाहिए। देखो मिल गई आंटी, हाँ तो ठीक है ना, मम्मी का ही बात कर रहे हैं, अशुभ काम नहीं करना चाहिए, लड़की बहुत कंफ्यूज है, कोई बात नहीं, कुछ लोग मानते हैं कि ये खास खास दिन पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि कभी दिशा शून होता है, खैर जो भी हो जो भी हो जो भी हो, कहने का मतलब कि वैसे ही ये फीमेल में जो प्राइमरी ओसाइट था इसने डिवाइड करना शुरू ही करा कि इसको रोक दिया गया, अभी ये एक कदम आगे बैठे खाली दरवाजे तक पहुंचे थे गेट खोले इसको रोक दिया गया, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, ओगोनिया को किस स्टेज पर रोक दिया गया, प्रोफेज वन, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना है, एक फीमेल के बॉडी में, ये सब बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, सारा इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड के एमसीक्यू है, यहां पे मैंने आपको बोला कि भाई साहब एक ने डिवाइड करना शुरू ही करा था कि उसको रोक दिया गया किस स्टेज में, प्रोफेज वन, अच्छा ये जन्म के पहले हो गया था, अब जब कोई बच्ची, अच्छा बीच में इतना दिन तक रुका हुआ है, मान लो जन्म के बाद 12-13 साल रुका हुआ है कुछ नहीं हो रहा, सेल जैसा था वैसा रुक गया, उसके बाद जब कोई फीमेल प्यूबर्टी गेन कर ली, जब पहली बार पीरियड्स आना शुरू होने वाला है, पहली बार पीरियड्स आएगा इस बार उसके ठीक 28 दिन पहले, पीरियड्स और 28-30 दिन पर रिपीट होता है, तो ठीक 28 दिन पहले, उसके बाद उन देखो इस वक्त लाखों सेल ओगोनिया बने थे, लाखों में से सब के सब डिवाइड करना शुरू करा, प्राइमरी ओसाइट पे रुक गया, उसके बाद ऑलमोस्ट 12 साल बाद उन सारों में से कोई एक, फीमेल में कितना ओवरी होता है, दो, हर महीने उन दोनों में से किसी एक में से निकलता है, मतलब दोनों ओवरी से एक साथ एक नहीं आता, दोनों में से किसी एक से, वो भी अल्टरनेट करके, जैसे मान लो पहली बार राइट ओवरी से एक आया है तो अगले महीने लेफ्ट ओवरी से आएगा, उसके अगले महीने फिर राइट से आएगा, उसके अगले महीने फिर लेफ्ट से आएगा, यानी राइट, ऐसा नहीं कि राइट वाला पहले सब खत्म हो गया तब लेफ्ट वाला शुरू किया, कोई बेईमानी नहीं होता इनमें, जो स्टार्ट करे उसके बाद अगला दूसरे वाले से फिर दूसरे वाले से ऐसे करके रिपीट करता है, ठीक है। चलिए तो पहली बार एक बार वापस से क्लियर कर रहा हूं, जो मदर सेल्स को बोले ओगोनिया, डिवाइड करना शुरू करा क्या कहलाया, प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट एक जगह पे रुक गया, उसका नाम प्रोफेज वन, अरेस्ट हो गया, अरेस्ट मतलब रुकना, ठीक है, और उसी स्टेज में बच्चे का जन्म हुआ, जन्म से लेके प्यूबर्टी तक ऑलमोस्ट 12 साल तक कोई चेंज नहीं हुआ, अब जब बच्चे प्यूबर्टी गेन कर ली है तो उसके बाद क्या होता है, देखो ये रहा मेरा सेल, म्यूसिस में यहां क्या था, यहां वाले कंडीशन थोड़ा अलग होता है, वहां पर क्या है, एक सेल था, एक डिवाइड कितना सेल बनाया, दो सेल, म्यूसिस में के बाद उन दोनों में से फिर से डिवाइड करा, दो दो सेल बना दिया, अभी देखो थोड़ा उल्टा होगा, ये मेरा एक सेल प्राइमरी ओसाइट, ठीक, ये स्टार्ट करा इसने म्यूसिस, म्यूसिस करके इसको दो सेल बनाना चाहिए, म्यूसिस वन के बाद जैसा कि यहां हुआ था, म्यूसिस वन के बाद दो सेल, ये 2n था, ये क्या हो जाएगा n, देखो ये मेरा 2n सेल है, यहां जो सेल बनेगा वो n बनेगा, और इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ओसाइट है ना, देखो प्राइमरी के बाद क्या बना था, सेकेंडरी, बस यहां एक झोल है, वहां पे क्या था, एक सेल से दो सेल बना था, यहां भी एक सेल से दो सेल बना है, वहां एक सेल से दो सेल जो बना था वो बिल्कुल बराबर बराबर बना था, यहां क्या है, एक सेल तो है ये दो में डिवाइड हो, लेकिन बेमानी कर दिया, एक सेल छोटा रह गया, एक सेल क्या हुआ और एक क्या हो गया लार्ज, असल में बात यह है ना, एग को ज्यादा से ज्यादा मास रखना पड़ता है, खाना
मेल का काम तो खाली स्पर्म बना देना है, अपना जेनेटिक मटेरियल वो एक फीमेल में पहुंचा दिया, फीमेल में एक में फ्यूज हो गया। लेकिन भाई साहब एक को तो बच्चा में कन्वर्ट होना है ना, तो मेल से स्पर्म लेने के बाद अभी तो जुड़ा नहीं है, प्लेसेंटा तो बाद में बनता है। अभी मान लो जायगोट डिवाइड करना शुरू करा, एक से दो से बना, दो से चार से बना, चार से आठ बना, उसको कोई तो खाना देगा वरना बच्चा मर जाएगा। तो माँ का बॉडी एक को इसी तरह से डिजाइन करता है कि जब तक वो उसके शरीर से जुड़े नहीं तब तक एग के अंदर खाना स्टोर हो, बच्चा भूखे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक सेल को बड़ा एक सेल को छोटा होना पड़ता है, जो छोटका होता है उसको बोलते हैं छोटो, क्या बोलिए, और बड़ा वाला उसको तो यही नाम है प्राइमरी सेल। ये क्या कराएगा, चलेगा, एक छोटका पोलर बॉडी, एक बड़ा क्या बोले प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी, ठीक। अच्छा ये वाला का भी कोई काम नहीं है, ये क्या करेगा डिजेनरेट कर जाएगा, ये तो डिजेनरेट हो गया, इसका खत्म, ये बचा है। अब वापस से देखो, एक सेल से दो सेल बना था, मेल के केस में दोनों बराबर बराबर बना था, फीमेल में यहां एक झोल हुआ, एक तो था 2n डिवाइड करके म्यूसिस वन करके n तो बनाया, लेकिन एक छोटा उसको क्या बोले पोलर बॉडी, और एक बड़ा उसको क्या बोले सेकेंडरी ओसाइट। अब ये दोनों वापस से आगे डिवाइड करता, यही होता ना, ये भी दो डिवाइड करता, ये भी दो डिवाइड करता, लेकिन भाई एक जो छोटा था उसको डिजेनरेट कर गया, कायदे से इस वाले को भी दो में डिवाइड करना था, एक बार हम लिख के दिखा रहे तो समझ में आएगा, कायदे से इसको भी दो बनाना चाहिए था और इसको भी दो बनाना चाहिए था, तो टोटल एक से कितना बनता, चार जो में बनता है, ये म्यूसिस वन होता, ये क्या कहलाता है म्यूसिस टू। लेकिन लेकिन अब लेकिन क्या है, अब लेकिन क्या है, लेकिन ये वाला डिवाइड तब ना करता जब जिंदा होता, ये तो खत्म ही हो गया बच्चा एक, अब ये डिवाइड करेगा, बिल्कुल सही बात है, ये डिवाइड करेगा। अच्छा ये वाला माना था क्या म्यूसिस वन था, ये यहां पे क्या होगा म्यूसिस टू, ये होगा और फिर से इसे दो से बन जाएगा, काम हो जाएगा मेरा, यही ना, लेकिन फिर जो फीमेल में बहुत कंफ्यूजन होता है भाई, बहुत परेशान हो गए, कोई बात नहीं, तुम लोग के पास ऑप्शन नहीं परेशान होने का, तुम्हारे बॉडी है। देखो मेल्स में तो सब सिंपल था, फीमेल्स में प्राइमरी ओसाइट म्यूसिस वन करा, बना सेकेंडरी ओसाइट। अच्छा ये था 2n, लेकिन ये क्या है n, यही हुआ था ना, ये था 2n, सॉरी ये था 2n, ये भी 2n, यहां पे हो गया n और वो भी यही रहा, यहां पे भी 2n है n बना। होता यूं है कि फीमेल के केस में प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी भी तो डिवाइड कर जाता, ये तो हो गया, अब वो यहां पर फिर अरेस्ट कर जाता है, इस बार अरेस्ट करता है मेटाफेज टू में, किसमें अरेस्ट करता है, कहीं लिखा नहीं है, कहीं तो होना चाहिए, नहीं है, कोई बात नहीं, चलो ये जो है ना ये फिर अरेस्ट करता है किसमें, मेटाफेज टू, प्रोफेज वन और मेटाफेज टू में अरेस्ट करता है। प्रोफेज वन में कब अरेस्ट करा था, जन्म लेते के साथ, और उसके बाद जब पहला पीरियड आया उस वक्त ये प्यूबर्टी के बाद पहली बार शुरू हुआ, कोई एक सेल स्टार्ट करना डिवाइड करना, प्राइमरी ओसाइट डिवाइड करके बनाया सेकेंडरी ओसाइट और एक पोलर बॉडी, पोलर बॉडी डिजेनरेट, कहानी खत्म, सेकेंडरी ओसाइट बचा है, ये सेकेंडरी ओसाइट फिर से मेटाफेज टू में अरेस्ट करता है, यानी अब फिर ये आगे डिवाइड नहीं करेगा। इसका क्या जिद है कि भाई हम तभी डिवाइड करेंगे जब हमको कोई मेल का स्पर्म मिलेगा, ठीक है। तो फीमेल के बॉडी में पीरियड्स के वक्त क्या होता है, नॉर्मली एक एग रिलीज होता है पीरियड से समय थोड़ा पहले, एग रिलीज होता है, आप लोग तो जानते हो, ये जानते हो ना कि ईच मंथ फीमेल के ओवरी से एग रिलीज होता है, अगर स्पर्म भी आया और फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो वो इम्प्लांटेशन हो जाएगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो एग था वो डेड एग के फॉर्म में ब्लड म्यूकस के साथ बाहर निकलेगा बॉडी में, जिसको अपन पीरियड्स कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, यही है। तो बात सिंपल से इतना है कि स्पर्म आएगा तब ना, नहीं आया तो जाहिर सी बात है तो ब्लड फ्लो के साथ बाहर निकलने वाला है। अब देखो
देखना जरा ध्यान से, फीमेल के बॉडी में जो एक रिलीज होता है एक्चुअली वो ये होता है, एक कंप्लीट बना ही नहीं होता, क्या होता है ये सेकेंडरी ओसाइट, एक बना ही नहीं किया, एक तो तब बनेगा जब ये म्यूसिस 2 कंप्लीट करेगा, एक नहीं बना, उसने क्या करा सब सब क्या रिलीज हो गया सेकेंडरी ओसाइट। अब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तब तो ठीक है, नहीं तो मेंस्ट्रुअल फॉल के साथ जो डेड एग निकलता है ना असल में वो एग नहीं, क्या होता है सेकेंडरी ओसाइट। इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अगर स्पर्म चला जाएगा तो इसका मेटाफेज 2 खत्म और फिर से ये आगे डिवाइड करेगा, ये आगे डिवाइड करेगा तो फिर से जल्दी जल्दी में डिवाइड करता है, एक छोटा बनाता है, इसको बोलते हैं सेकंड पोलर बॉडी, क्या बनाएगा सेकंड पोलर बॉडी, और एक जो बड़ा बनाएगा वो क्या कहलाएगा सेकेंडरी ओसाइट या फिर इसको क्या बोलेंगे ओवम। ये है असली देख, लेकिन ये कब बना, आफ्टर स्पर्म फ्यूजन, अगर स्पर्म इसमें फ्यूज नहीं करता तो क्या कभी एक बनता नहीं बनता। अच्छा स्पर्म अगर फ्यूज नहीं करता तो सेकेंडरी ओसाइट जब पीरियड्स आता तो यही डेड होके निकल जाता, समझ रहे बात कैसे काम करता, हाँ जाहिर सी बात यही निकलता है। तो देखो तुम पोलर बॉडी भी दो बार बना, एक बार तब जब स्टार्टिंग हुआ था और एक बार जब स्पर्म फ्यूज कर गया सेकेंडरी मतलब म्यूसिस 2 के वक्त, तो एक पोलर बॉडी यहां बना दूसरा पोलर बॉडी यहां बना। अच्छा फिर से देखना अभी खत्म नहीं हुआ कहानी, ये जो स्टेज है ये सब ओवरी के अंदर हुआ है ना, सेकेंडरी ओसाइट चूंकि रिलीज हुआ एक के फॉर्म में, जो बोले कि ओवरी से रिलीज होता है, तो ये जब रिलीज हुआ फर्टिलाइजेशन कहां होगा फेलोपियन ट्यूब में, फर्टिलाइजेशन कहां होता है फेलोपियन ट्यूब में, तो फेलोपियन ट्यूब में जो फर्टिलाइजेशन होगा तो ये वाला चीज कहां आएगा, ये तो फेलोपियन ट्यूब में बनेगा। तो पहला पोलर बॉडी रिलीज होता है ओवरी में और दूसरा पोलर बॉडी अगर रिलीज हुआ, क्योंकि वो तभी होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो कहां होगा फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है यहां तक। चलिए ये रहा फीमेल का पार्ट, इस वाले स्लाइड को हम एक्सप्लेन कर देते हैं, बट तब तक के लिए आप एक बार थोड़ा ध्यान से देख लीजिए।